तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं यार सिंचन पिंचन को स्कूल छोड़ने के लिए, और इनका पहला दिन है। और ये मुंह छिपा कर वहाँ कोने में क्या कर रहा है भाई? अरे फ्रैंकलिन भैया, इस पिंचन को नहीं कहा चाहिए, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता। पहले कह रहा था जब तक फ्रैंकलिन भैया नई कार नहीं दिलाएंगे तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊँगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया मेरे को नहीं ले जा सकते। अरे चले जाओ यार, शाम को जब तुम आओगे तो नई कार लेकर आ जाऊंगा मैं। चलो अभी के लिए स्कूल चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ यार मैं। मेरे को यार पहले दिन पर ही गालियाँ मिलेगी और एडमिशन नहीं हो पाएगा इनका। चलो आ जाओ भाई, क्यों लेट कर रहे हो? आगे भी बहुत लेट हो चुका हूँ, मेरे को यार लेसले से भी मिलना है, उसने कुछ बुलाया है कुछ काम के लिए। आओ, कितना घूम के आ रहे हैं यार ये, क्या बात है। चलो बैठ जाओ। अरे भाई गाड़ी को तोड़ना है थोड़ी, ये कितना जोर से बैठ रहे हैं, जैसे हल्की पावर आ चुकी है इनके अंदर। और देखो भाई ये क्या है, कितने जोर से। चलो चलते हैं यार, आगे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। इनको पहले स्कूल छोड़ना होगा, फिर लेसर के पास जाएंगे। और पहला दिन है यार, थोड़ा स्पीड से जाना होगा, कहीं हम लेट ना हो जाएं। लेकिन हम तो लेट हो चुके हैं फ्रैंकलिन भैया, शाम को आते वक्त नई कार लेकर आना, वरना मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। सोच लेना, झूठ मत बोलना। अरे हाँ यार, सिंचन में लेकर आऊँगा, तू एक बार स्कूल तो जा भाई, शाम तक तुम्हारी कार नहीं मिल जाएगी तेरे को घर पर। चलो भाई हम आ चुके हैं, ये स्कूल का नाम क्या है भाई? उल्सा, क्या नाम रखा है भाई। चलो यार पहले तो प्रिंसिपल ऑफिस देखना पड़ेगा किधर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है यार ये स्कूल तो। इन भाई साहब से पूछ लेते हैं, आराम फरमा रहे हैं, ये घंटी भी बज। अरे यार ये प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है भाई साहब? अरे भाई साहब मैं तो अंधा हूँ, मेरे को तो नहीं दिखता, आप ही ढूंढ लो, मेरे को नहीं पता। चलो फिर किसी और से पूछ लेते हैं भाई कौन है। चलो ये लड़के बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, ये शायद इसी स्कूल के लड़के हैं। अरे भाई ये प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पड़ेगा, कुछ बता सकते हो भाई? अरे ये कौन सा तरीका हुआ बे साले, मैंने सिर्फ पता ही तो पूछा। अरे अरे भाई सिंचन सिंचन, रुक जा भाई सिंचन तो हाथा पे उतर गया। चलो यार इधर से निकल जाते हैं, कहीं मैडम ने देख लिया तो हमारा इस। अरे भाई ये नहीं मानने वाला, इसको एक दो देनी पड़ेगी ये। अरे भाई तू मत कर, तेरा एडमिशन नहीं होगा किसी ने देख लिया तो। अरे सिंचन भाई रुक जा। अरे लुक के तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे प्रेंगी भैया को हाथ लगाने की, रुक मैं तेरे को मार दूंगा यहीं पर। अरे सिंचन छोड़ दे वरना ये पुलिस वाला बहुत मारेगा तेरे को। अरे बच्चे छोड़ इसको छोड़। आखिरकार यार पुलिस वाले ने उस झगड़े को खत्म ही कर दिया, यही है शायद प्रिंसिपल मैडम। अरे मैडम जी हमारे दो बच्चों का एडमिशन करवाना था। एडमिशन करवाना है तो चलिए ऑफिस के अंदर चलते हैं, वहीं पर एडमिशन फॉर्म भर देना और एडमिशन हो जाएगा। चलो आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो यार हमें आखिरकार ही प्रिंसिपल मैडम मिल गई, अब इनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा और एडमिशन फॉर्म भर के इनका एडमिशन आज हो ही जाएगा। कल से ये परमानेंट स्कूल जाएंगे और बस भी हमारे घर के पास आएगी। चलो यार ऑफिस कितना दूर है अब, आ जाओ भाई सिंचन पिंचन हमारे पीछे पीछे आते रहो। अरे गाइस देखो ना यार, ये आसमानी तो पेंगुइन में हमारे स्कूल में पड़ेगा, क्या क्या होगा यार? इन छिछोरों को क्या पता नहीं है कि मैं अभी भी शरीफ हुआ यार, सबसे बड़ा डॉन हूँ इस लॉस सेंटोस में। अरे इन्हें तो हम बताएंगे पेंगुइन कैसा होता है। चलो यार फाइनली हमारे सिंचन पिंचन का एडमिशन हो चुका है और आज की क्लास तो ये यहीं पर लेने वाले हैं, तो अभी अपने क्लासरूम के अंदर जाने वाले हैं और इन्हें छोड़कर मैं वापस जाऊंगा लेसर के पास। तो चलो यार सिंचन पिंचन अपनी क्लास के अंदर जाओ और शाम को मिलेंगे न्यू कार के साथ। वाह भाई मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या बताऊं यार पहली बार दूर जा रहे हैं मेरे से सिंचन पिंचन। कोई बात नहीं यार। अरे यार पिंचन पहले तो पांच चार लड़कों की गैंग बनानी पड़ेगी, हमारा रुतबा होना चाहिए, कोई अपने को हार ना लगा सके, गैंग बनाना पड़ेगा पहले। अरे ये मैडम जी लग रही है मेरे को, चलो मैडम जी, मैडम जी पे लगता हूँ, गुड मॉर्निंग पे लग। ये मैडम डर क्यों गई? और बीड़ू तू कैसा है? सब मजे में चलो घंटी लग चुकी है अंदर। चलो यार सिंचन पिंचन तो अंदर चले गए क्लास में, अब मैं भी चलता हूँ, लेकिन मेरी कार किधर है भाई? यहीं तो छोड़ी थी मैंने, ये कौन उठा के ले गया भाई? ये पहले कोई और था, इधर अभी कोई और है, ये टकला कहीं गैंग का तो नहीं लग रहा है मेरे को। साले किसी ने तो नहीं कही उठवा ली हमारी कार को। भाई तेरी शक्ल दिखाना थोड़ा। अरे ये भाग क्यों आराम से? कहीं ये तो चोर नहीं है, अपनी शक्ल छुपा कर जा रहा है, एक बार शक्ल दिखा दे मैं पहचान लूंगा साले। अरे रुक भाई, ऐसे कैसे जाने दूंगा, मेरी कार तूने चुराई है शायद, एक बार रुक जा साले। अरे ये भागने की बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा है साला, यही है इसको पटकना पड़ेगा। अरे देख बे टकले जल्दी से बता दे मेरी कार किधर है, वरना मेरे को यार बंदूक निकालनी पड़ेगी, ये ऐसे मारने नहीं वाला है भाई।
ये तो बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहा है अब। यार ये कुछ बता क्यों नहीं रहा है भाई, मेरे को लग रहा है यार ये इसने नहीं चुराई है। कोई बात नहीं भाई, आपकी कार दे दो फिर, मेरी कार तो किसी ने चुरा ली। मेरे को यार लेस्टर के पास भी जाना है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट बता रहा था वो। कोई बात नहीं यार, अपनी कार गई तो क्या हुआ, इसकी कार तो आ गई, अपना काम तो हो ही रहा है। अब लेस्टर के पास जाना पड़ेगा। वो क्या कह रहा था यार, कुछ चुराना है वो हमारी तरह है यार। लेस्टर अभी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम पहुँच चुके हैं, एक बार हमारा एक्सीडेंट भी हो चुका है, बच्चे बचे हैं और लेस्टर हमारे घर पर भी आ चुका है। चलो यार लेस्टर को घर पर ही मिलते हैं और देखते हैं यार कौन सा प्लान बना रहा है भाई, कौन सी कार चुरानी है और कोई सेलिब्रिटी की बता रहा था। चल ओ भाई, हमारी यहाँ पर कैसे आ गई ये कार? अरे भाई लेस्टर, मेरी कार चोरी हो गई थी और यहाँ पर कैसे आ गई? अरे एक बेलास गैंग वाले लड़के ने चुराई थी तेरे स्कूल से और मेरे को बेचने आया था। मैंने तेरी कार पहचान ली और उससे झगड़ के ले ली भाई। मेरे से तो पैसे देकर खरीदना चाहता था वो, लेकिन मैंने तो कहा मेरे दोस्त की है और उसने दे दी। चल भाई आज तो तेरी गाड़ी मैंने बचा ली। हाँ चलो काम की बात पर आते हैं। ये देख आज मिस्टर बीस्ट आए हुए हैं थिएटर में, वहाँ से उसकी महंगी कार चुरानी है, लगभग 100-200 करोड़ की है। चुरा लेंगे तो हमारा साल भर का खर्चा निकल जाएगा, तो जल्दी चल भाई, मैं बताता हूँ कौन से थिएटर में चला। चल चल जल्दी चल, कहीं वो इधर से निकल ना ले, फिर हमारा और घाटा हो जाएगा। बहुत घाटे में चल रहे हैं अभी, और ये थिएटर में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है, कैसे चुराएंगे बे। वैसे ये बता, आज तू स्कूल क्यों गया था रे? कहीं फिर से मैडम को सेट तो नहीं करना चाहता तू? ये मैडमों का चक्कर छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इसमें, मेरे साथ रहे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। अरे यार लेसन, वो काम नहीं गया था मैं, आज सिंचन पिंचन का एडमिशन कराने गया था। तू भी ना यार, क्या क्या अब बता कहाँ से लेना है? अरे यार ये टैक्सी वाला साला, हाँ किधर से लूँ भाई लेसलर? अरे ये सामने तो आ गया, दिख नहीं रहा है, थिएटर है ना ये लो, ये दो पुलिस वाले भी, चलो। अरे रुको रुको रुको, कैसे कैसे जा रहे थे? अंदर सिर्फ यूट्यूबर्स जा सकते हैं, वो भी बड़े बड़े। तुम्हारे पास एंट्री कार्ड है क्या? दिखाओ पहले। लो भाई, हमसे बड़ा यूट्यूब चैनल किसका है, पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं है। टोटल गेमिंग तो मेरे साथ खेलता है भाई, हमसे बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है, इसलिए ऐसे से पूछ लो तुम। अरे हाँ हम ही है सबसे बड़े यूट्यूबर, कमल इज लाइव। और गाइज अगर आप मिस्टर बी से मिलना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर बीस्ट को बुलाएंगे, वो भी फ्रैंकलिन के घर पर। चलो यहाँ पर लगा दे भाई फ्रैंकलिन, देखते हैं। अरे यही है, चुपके से लगा दे, चुपके से गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे इसके, कोई भी नहीं देखने वाला। देख बाहर से दिखाता हूँ कैसी लग रही है, मिस्टर बीस्ट की है ये, 100-200 करोड़ की है। अरे भाई लेस्टर एक मिनट रुक जा, पहले देखता हूँ यार कहीं या पुलिस वाला आ तो नहीं रहा हमारे पीछे, और इधर से कोई निकलने का रास्ता नहीं है पीछे से, इधर से चोरी करके निकल जाते थे। अरे लेकिन इधर से भी कोई रास्ता नहीं है यार। कोई बात नहीं भाई, इनके सामने से ही भगानी पड़ेगी और ये हमारे पीछे 3-स्टार पुलिस भी लगा देगी, क्या करें यार लेस्लर, कुछ तो बता भाई। अरे करना क्या है, जल्दी से कार में बैठ और भगा इधर से, जोगा देखा जाएगा, दो ही तो पुलिस वाले हैं, साले डरता क्या है, मेरे जैसा बैठा आदमी तेरे साथ और तू डर रहा है। चल जल्दी से निकाल इधर से, फुल स्पीड में ले लेना, कोई के हाथ नहीं आएंगे, एक दो डंडा मारेंगे तो क्या होगा, कांच ही तो फूटने वाले हैं। चल ये देखा, किसी ने कुछ नहीं किया ना, पुलिस का छोड़, अभी हम 2 मिनट के अंदर शहर से बाहर निकल जाएंगे और फिर सिमियन के कार शोरूम चल कर इस कार को बेच देंगे मोटे दाम पर। जल्दी वहीं ले ले, वहीं जाकर इसका फैसला करेंगे। हाँ इधर से बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, कहीं पुलिस वाले आ गए तो। अरे इतनी क्यों भगा रहा है भाई, टूट जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे फिर। तो चलो यार जल्दी से इस कार को सिमियन को बेच देते हैं और नई कार भी तो लेनी है, पिंचन को हमने वादा जो किया था, और उससे जब पहले यार मेरे को सिंचन पिंचन को यार स्कूल से लेने के भी तो जाना है। ओ भाई कहाँ लगाऊँ मैं, हाँ चलो इधर ही लगा देते हैं, और सिमियन से बात भी करनी है। और चलो भाई, और सिमियन कितना रहे भाई? ओ भाई सिमियन, ये रहा सिमियन, चल भाई लेसलर ही बात करने वाला है। अरे और टकले कैसा है, कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे आओ आओ लेसलर भाओ, कैसे हो, आज हमारे दुकान पर कैसा है,
क्या लेना है? कौन सी कार लेनी है आपको बताओ, सभी कारें हैं हमारे पास। अरे लेना वेना कुछ नहीं है, बस एक पुरानी कार थी मेरे दादाजी की, वही बेचने आया हूँ। थोड़े पैसों की तंगी चल रही है ना, इसलिए जल्दी से बताइए खड़ी है जो कार कितने मिलेगा। बता बता सही लगाना, थोड़ा घर का ही मामला है। अरे लेसलर इसके तो मैं तुम्हें नया मॉडल है 50 करोड़ दे सकता हूँ, वो भी कैश देख लो इतना में। तो चलो यार आखिरकार लेसलर के कहने पे इसने 60 करोड़ रुपए हमारी इस कार के दे दिए हैं। अब यार जाएंगे कैसे हम सिंचन बिंचन को लेने के लिए, पहले इधर से यार कोई कार हमें लूटनी पड़ेगी भाई। चलो भाई लेसलर से तो कुछ होने नहीं वाला, मैं ही इधर से कार को रोक के पहले छीनता हूँ किसी से। कौन सी आ रही है बे इधर? हाँ ये देखो यार, ये बहुत अच्छी कार आ रही है, हमारा तो काम निकाल देगी, अभी धूप चढ़ा देता। मोटे जल्दी से निकल बे। चलो भाई ये जब तक उठेगा मैं निकल ही जाऊँगा, ये तो डर के भाग गया बे। चल भाई लेसलर जल्दी से बैठ जा, चलो इसके सामने ले जाकर खड़ी करनी पड़ेगी ये। अरे यार, अरे कलवे मेरे को मार के क्या 60 करोड़ अकेले खाना चाहता है? अरे भाई लेसलर यार गलती से लग गई थी यार, मैं तो तेरे ही पास आ रहा था भाई। बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका हमारा लेसलर यार, लग गई थी यार, थोड़ा मैं बेके कटवट मार रहा था। कोई बात नहीं यार, जल्दी से चलते हैं यार सिंचन की स्कूल, कहीं हम लेट ना हो जाए भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है अभी। अरे सिंचन बिंचन के लिए नई कार भी तो लेनी थी, तू तो भूल गया, पहले स्कूल चलेगा या कार लेने? चलो स्कूल ही चलते हैं पहले। अरे यार ये सिंचन पिंचन का स्कूल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और ये लो ये सिंचन पिंचन भी आ गए। अरे फ्रैंकली भैया आपने बोला था ना जब लेने आऊंगा तो नई कार लेके आऊंगा, आप तो लेके नहीं आए, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे अब सिंचन तुम झगड़ा बंद करो, अभी हम 60 करोड़ की डील करके आए, वही तो जा रहे हैं तुम्हारे लिए नई कार लेने। जल्दी से बैठो, तुम्हारी पसंद की कार दिलाएंगे तुमको, इसीलिए तो नहीं लाए, तुम्हें पसंद करा के फिर कार दिलाएंगे। अरे वाह गाइस, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी पसंद की कार दिखाएंगे आप लोगों को, और इस वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस बाय बाय।